हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप माइनक्राफ्ट में एक अनलिमिटेड आयरन फार्म कैसे बना सकते हो। जी हाँ, ये फार्म पूरी तरीके से अनलिमिटेड होगा। आपको यहाँ से आयरन मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। पहले आपको ओक क्यूब्स लेना है और इसको लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक लाइन में 9 ब्लॉक्स लगाने के बाद फिर से आपको इस तरफ आ जाना है। फिर से इस तरफ 8 ब्लॉक्स लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये टोटल। फिर से आपको लगाना है 8 ब्लॉक्स, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। ये गलती से लग गया, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। इतने हो जाने के बाद आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा। आपको ध्यान में रखना है ये फार्म किसी भी विलेज से, किसी भी आउटपोस्ट से और किसी भी विलेजर ब्रीडिंग फार्म से लगभग 150 ब्लॉक दूर में होना चाहिए। ठीक है, लगभग 150 ब्लॉक की दूर में कोई भी विलेज नहीं होना चाहिए। इतना हो जाने के बाद आपको इसके अंदर आ जाना होगा और इसको 3 ब्लॉक्स डीप कर देना होगा, मतलब इसमें जो भी ब्लॉक्स है इसको 3 ब्लॉक करके खोद लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 ब्लॉक्स करके खोद लेता हूँ। लगेगा सॉलिड ब्लॉक्स, मैं यहाँ सो डर्ट की जगह स्टोन ब्रिक्स ले लेता हूँ, और लगेगा एक टॉर्च। तो आपको जो सॉलिड ब्लॉक्स है उसको ऐसे आपको लगा देना होगा, और इसके जो मिडिल वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक, और चारों कॉर्नर में एक एक करके आपको ब्लॉक्स लगाना होगा, और एक टॉर्च लेके मिडिल ब्लॉक बॉक्स के ऊपर ऐसे करके प्लेस कर देना होगा। इसके बाद आपको लगेगा जॉब ब्लॉक्स। आप यहाँ पे किसी तरह की भी जॉब ब्लॉक्स लगा सकते हो। मैं यहाँ पे फ्लेचिंग टेबल लगाता हूँ,
आपको एग्जैक्ट यहाँ पे 20 जॉब ब्लॉक्स लगेगा, पूरा गिन गिन के आपको 20 जॉब ब्लॉक्स यहाँ पे लगा देना होगा इस तरीके से। तो जॉब ब्लॉक्स लगाने के बाद आपको यहाँ पे विलेजर्स ले आना होगा। आप विलेजर्स को किसी भी तरीके से ले आ सकते हो, आप माइनक्राफ्ट के ज़रूरत माइनक्राफ्ट के द्वारा ले आ सकते हो, ले आके दो विलेजर्स यहाँ पे लाओगे, फिर उसको आप ब्रीडिंग करवा के आप उसको एग्जैक्ट 20 विलेजर्स बनाना होगा। मतलब आपको यहाँ पे इस फार्म के लिए लगभग 20 विलेजर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे तो फ़िलहाल क्रिएटिव में हूँ, तो यहाँ से विलेजर्स का जो ब्रीडिंग एग होता है उसको ले लेता हूँ। फिर आपको मैं यहाँ पे आपको 20 विलेजर्स होना हो जाने के बाद मिलता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो विलेजर ऐसा नील कोट पहना होता है उसको आपको फार्म में नहीं रखना है, वो कुछ काम भी नहीं करते और आपका टाइम भी बर्बाद करता है। तो थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। मैंने यहाँ पे 20 ब्लॉक्स मैंने मतलब 20 विलेजर्स ले आ चुका हूँ। उसके बाद आपको इसका जो फ्लोर है उसको कवर कर देना होगा। मैं यहाँ पे स्टोन ब्रिज लगा रहा हूँ। आपको आप यहाँ पे कोई भी विलेजर्स मतलब कोई भी ब्लॉक्स लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे कैट स्पॉन होना भी चालू हो गया। कैट स्पॉन होने का मतलब है आपका ये फार्म पूरा रेडी है, मतलब पूरा तैयार हो चुका है। अभी आपका ये फार्म पूरा 80% तैयार हो चुका है। फिर आपको एक चीज़ करना होगा, आप जिस तरफ से भी फार्म का एक्सिस रख दें रखना चाहते हो, मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इस तरफ से फार्म को विज़िट करूँगा, तो मुझे इसके ऑपोजिट साइड मतलब इस तरफ से एक दो पे हट जा भाई बिल्ली के, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी आपको यहाँ पे चार ब्लॉक्स लगाना होगा, फिर एक दो तीन चार और बीच में आपको इसका ऐसे करके ब्लॉक्स लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको लगेगा एक वाटर बकेट, एक वाटर उसके पहले वाटर बकेट लगाने से पहले आपको लगेगा एक लावा बकेट चेस्ट और लगेगा हॉपर्स, हाँ हाँ आपको एक कैंप फायर भी लगेगा। मैं बताता हूँ कैसे, पहले तो मैं दिन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको कॉर्नर में आ जाना होगा, आ जाने के बाद यहाँ पे ऐसे करके खोद लेना है, फिर चेस्ट को ऐसे करके सॉरी ऐसे ये नहीं लगेगा आपको यहाँ पे ऐसे करके चेस्ट लगाने के बाद क्राउच होके हॉपर लगाना होगा। आपको आप इन दोनों को भी अबे बाहर निकल, आप इन ऐसे करके इस दोनों को भी ऐसे करके हॉपर से कनेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पे एक क्राउच होके अबे बिल्ली कहीं पे एक कैंप फायर लगाना होगा। फिर आपको जो ब्लॉक्स आपको आपने यहाँ से तोड़े थे इसको यहाँ पे प्लेस कर लेना है। अबे निकल जा, ठीक है ऐसे करके। फिर आपको लगेगा साइन बोर्ड, आप यहाँ से यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड यूज़ कर सकते हो। इसको यहाँ पे एक यहाँ पर एक और इस कैंप फायर के जस्ट ऊपर एक लगाना होगा, फिर एक लावा बकेट लेके इसके ऊपर लगा देना है जिससे आयरन गोलम उसमें जल के मर जाए। तो यहाँ पे आपका फार्म पूरा बिल्कुल रेडी है। अबे यहाँ पे कैसा आग लग गया, यहाँ पर आग ना लगे इसलिए आपको क्या करना है, इस यहाँ का ब्लॉक्स हटा के आप
ब्लॉक्स की जगह स्लैब लगा सकते हो। आपको पता ही होगा कि स्लैब में आग नहीं लगता। अब आप बोलोगे भाई हम स्लैब्स की जगह, अच्छा ये एक ब्लॉक ज़्यादा हो गया था, इसको हम तोड़ लेते हैं, तो ये फार्म बिल्कुल वर्क कर रहा है, ठीक है। हाँ ये फार्म कुछ तो गड़बड़, 1 2 3 4, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, यहाँ पर एक, हाँ अब ठीक हो गया। तो देखिए कैट्स आना चालू हो गया, मतलब यहाँ पे कैट्स जाएगा मरेगा। यहाँ पे आप स्लैब्स लगा देना जिससे कि लीव्स में आग ना लग जाए, जिससे कि आपका लीव बिल्कुल तरोताज़ा रहे। आप यहाँ पर ऐसे करके जाके टेस्ट को एक्सेस भी कर सकते हो। यहाँ पे एक बिल्ली आ गया था, हम इसको भी जला देंगे और यहाँ पे एक ब्लॉक्स लगा देंगे, ठीक। अच्छा ब्लॉक्स तो नहीं लगा सकते, ब्लॉक्स लगाने लगाएंगे तो हम, तो देखिए यहाँ पे जो बिल्ली आया था उसका स्ट्रिंग्स इकट्ठा हो गया है, आपका ये फार्म पूरी रेडी हो गया है। आप ऐसे तरीके से ऊपर भी जा सकते हो, आप इसमें सीढ़ी भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे करके, तो ये फार्म बिल्कुल चालू हो गया है। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे, अब हम फार्म से थोड़ी देर दूर जाके एएफके करेंगे और देखते हैं कि कितने आयरन गोलम यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ पे ऊपर चलते हैं जिससे कि हमको ये सारे नज़ारा देख सकें। जैसे कि आप सब देख रहे हो ये फार्म कितना बिग तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें आयरन गोलम धरा इधर आए जा रहा है और इसमें मर रहे हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियो लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब